टीम इंडिया ने साल 2022 में रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली सीरीज जीत दर्ज कर ली है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंत हो चुका है। शुक्रवार को इस सीरीज का आखिरी मैच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 96 रनों के अंतर से बड़ी जीत हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने मेहमान वेस्ट इंडीज टीम को इस सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। इस ऐतिहासिक सीरीज जीत में टीम इंडिया का रंग थोड़ा फीका नजर आ रहा है, क्योंकि भले ही जीत का अंतर आंकड़ों के नजरिए से बड़ा नजर आ रहा हो, लेकिन जीत के बावजूद टीम इंडिया के कुछ पहलुओं की गुत्थी अभी भी अनसुलझी नजर आ रही है। मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को ये बात अच्छे से पता है कि टीम इंडिया भले ही जीत गई हो, सीरीज भले ही 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया है वेस्ट इंडीज का, लेकिन इन 3 कमियों को अगर टीम इंडिया ने जल्द दूर नहीं किया तो टीम इंडिया को एक अच्छी विपक्षी टीम वाली के सामने मुंह की कहानी पड़ सकती है। और T20 की अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज काफी मजबूत है। अगर इन 3 पहलुओं पर गुत्थी नहीं सुलझी तो बढ़ने वाली है टीम इंडिया की मुश्किलें। तो आखिर कौन सी है वो 3 कमियां जिन्हें जल्द करना चाहेंगे रोहित शर्मा पूरी, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन, रोहित के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, उन 3 कमियों के बारे में बताने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का 3रा मुकाबला जीत लिया है और इससे वेस्ट इंडीज की टीम का 3-0 से वनडे सीरीज में सुपड़ा साफ कर दिया है। आखिरी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 50 ओवर में 265 रन बनाए, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम 38वें ओवर में ही 169 रन बनाकर ही ढेर हो गई। टीम इंडिया को 96 रनों की बढ़िया जीत मिली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए फुल टाइम वनडे कप्तानी की शुरुआत है और उन्होंने क्लीन स्वीप के साथ अपने कैरियर का एक और चैप्टर खोल दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी रोहित की इन 3 बातों को लेकर अब भी चुनौती बढ़ी हुई है। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन 3 कमियों के बारे में जिन्हें रोहित अब भी सीरीज जीतने के बाद भी इन कमियों को जल्द ही समाधान ढूंढना होगा। 3री बड़ी कमजोरी, टीम इंडिया ने भले ही इस सीरीज को 3 मैचों में वेस्ट इंडीज टीम को ऑल आउट किया है, लेकिन इसको भारतीय गेंदबाजों की धार से ज्यादा वेस्ट इंडीज का नकारापन कहा जा सकता है। 50 ओवर के फॉर्मेट में विंडीज टीम बौखलाहट में गुच्छे में विकेट गंवा देती है। वहीं जैसे ही अंत के ओवरों में टीम इंडिया के खिलाफ एक साझेदारी हो जाए तो टीम इंडिया के गेंदबाज तनाव में आ जाते हैं। वेस्ट इंडीज टीम के ओडियन स्मिथ ने ही टीम इंडिया के गेंदबाजों की अंत के ओवरों में जमकर धुनाई की। अंत के ओवरों में कोई भी गेंदबाज विकेट लेने का इच्छुक भी नजर नहीं आता है। पहले मैच में जेसन होल्डर और एलन की साझेदारी के वक्त भी भारतीय गेंदबाजों ने हथियार डाल दी थी। दूसरे और तीसरे मैच में भी टीम इंडिया के खिलाफ अंत के ओवरों में साझेदारी हुई। भले ही ये साझेदारियां विरोधी टीम को जीत नहीं दिला पाई हो, लेकिन भविष्य में मजबूत टीमों के आगे टीम इंडिया का ये कमी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए टीम इंडिया को चाहिए डेथ ओवर का गेंदबाज। हमारी इस लिस्ट में 2री कमी जो है वो भारतीय टीम में खल रही है। महेंद्र सिंह धोनी के टीम इंडिया से विदा लेने के बाद लगातार भारत को एक अच्छे फिनिशर की कमी खल रही है। बीते कुछ दिनों से हार्दिक पांड्या चोट के चलते टीम से बाहर है, वहीं रविंद्र जडेजा भी भारत बनाम वेस्ट इंडीज सीरीज का हिस्सा नहीं थे। इन दिग्गज बल्लेबाजों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया का अंत के ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर बढ़ाने वाले फिनिशर की कमी को महसूस कर रही है। इन 3 मैचों की सीरीज में भारत के मिडिल ऑर्डर ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन सूर्य भी अंत तक क्रीज पर टिक नहीं सके, रन गति नहीं बढ़ा सके। फिनिशर के तौर पर इस सीरीज में डेब्यू करने वाले दीपक हुड्डा का प्रदर्शन भी साधारण रहा। ऐसे में रोहित शर्मा अंत के ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले बल्लेबाज की कमी को पूरा करना चाहेंगे। और हमारी इस लिस्ट में टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी, साल 2018 से टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज हर मैच में 70% से ज्यादा रन बनाकर ही टीम को जीत की नींव रखते थे, लेकिन कुछ महीनों से टीम इंडिया की जान कही जाने वाले रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली के बल्ले से बड़े रन नहीं निकल रहे हैं। बात की जाए पहले 10 ओवर में ताबड़तोड़ रन बनाने की बजाय टीम इंडिया के बल्लेबाज अपना विकेट गंवा रहे हैं। तीसरे वनडे में स्तिकड़ी ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। तकरीबन 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया की ये त्रिमूर्ति 20 रन से ज्यादा रन नहीं बना पाई है। ऐसे में टॉप 3 बल्लेबाजों द्वारा रन नहीं बनाने की समस्या को कप्तान रोहित शर्मा खुद दूर करना चाहेंगे। तो खैर, ये भी कहा जा सकता है कि टीम इंडिया की ये 3-0 की क्लीन स्वीप भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन तो कह ही सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं
इस बात पर वैल्यू दूंगा कि वेस्टइंडीज टीम का नकारापन इसमें नजर आता है। उनकी टीम इतनी मजबूत है ही नहीं कि वो भारत के खिलाफ खेल पाए, इसलिए भारत का ये अच्छा प्रदर्शन हुआ है। लेकिन अच्छी टीम के सामने टीम इंडिया फंस सकती है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।